हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज इज करेंसी। मैं हूं भरत चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का। ये एमसीक्यू का पार्ट वन है। सो गाइस, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच द वाटर फ्लो टूवर्ड द आउटर पेरिफेरी। सो इसका सही आंसर है रेडियल सिस्टम, आंसर सी। देखो, रिंग सिस्टम में गाइस क्या होता है कि टूवर्ड द आउटर पेरिफेरी है रेडियल सिस्टम में, और रिंग सिस्टम में टूवर्ड द सेंटर होता है। मैं आपको ये इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये रेडियल सिस्टम में क्या होता है कि पहले यहाँ से पानी आता है, फिर सेंटर में जाता है, और सेंटर में से यहाँ पे आउटर पेरिफेरी की ओर जाता है। ये है रेडियल सिस्टम। और रिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये हमारा पूरा बॉक्स बन गया है। अब इसमें क्या होता है कि बाहर पानी इस साइड में आता है, यहाँ से ऐसे फ्लो करता है, और यहाँ से अंदर की ओर जाता है। मतलब रेडियल सिस्टम में क्या होता है कि अंदर से बाहर की ओर जाता है, और रिंग सिस्टम में बाहर से अंदर की ओर आता है। तो यही हमें एग्जाम हमें क्वेश्चन में क्या है हमारा कि वाटर फ्लो टूवर्ड द आउटर पेरिफेरी, मतलब आउटर पेरिफेरी की ओर जाता है। तो उसका सही आंसर है रिंग सिस्टम। डेड एंड सिस्टम में क्या होता है, हम सबको पता है कि अब हमारा अगर सिटी है हैजार्ड वे में है, तो इसे हम यहाँ हो गया, फिर यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब एक ट्री की ओर बनता है। इसे हम ट्री सिस्टम भी कहते हैं। तो ये डेड एंड सिस्टम है। और ग्रिड एंड सिस्टम है, वो सूटेबल है अगर आपकी कोई सिटी है वो उसमें रेक्टेंगल रोड है, तो उसके लिए ये मेथड सूटेबल है। जैसे कि गांधीनगर और चंडीगढ़ है जो कि एक प्लानेट सिटी है, तो उसमें ग्रिड एंड सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं वाटर सप्लाई के लिए। अब यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सूटेबल लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर अ सिटी विथ रोड ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न के लिए हमारी सिस्टम है ग्रिड आयरन सिस्टम। फिर नेक्स्ट है तीसरा, अब आपको पता है कि डेड एंड सिस्टम है, तो वो अगर कोई सिटी का मतलब कोई प्लानिंग से नहीं बनी है, हैजार्ड वे में है, तो उसे हम डेड एंड सिस्टम हमारी सूटेबल हो, जैसे हम यूज़ करनी होती है हमें। फिर हमारा क्वेश्चन है अगला, द कॉमनली यूज मटेरियल फॉर अ वाटर सप्लाई पाइप्स विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बींग स्ट्रॉन्ग, नॉट इजिली कॉरेड एंड लॉन्ग लाइफ, बट इट इज़ अ हैवी एंड ब्रिटल। सो इसका सही आंसर है कास्ट आयरन पाइप। कास्ट आयरन पाइप वाटर सप्लाई में मैक्सिमम यूज होती है, और स्टील पाइप है वो यूज होती है हमारा अगर कोई पंपिंग स्टेशन है तो वहाँ पे हम स्टील पाइप यूज करते हैं, और रेनफोर्स्ड कुछ सीमेंट कंक्रीट पाइप है वो ज़्यादातर सेवर लाइन में होती होती है, ड्रेनेज में। तो ये हमारे तीन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच द डोमेस्टिक सप्लाई इज नेग्लिगेटेड एंड फायर डिमांड इज कंसिडर्ड। तो हमारी सर्कल मेथड में जो डोमेस्टिक सप्लाई होते हैं उसे हम नेग्लिगेट करते हैं, और फायर डिमांड को हम ध्यान में रख के ही डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ वाल्व विच इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट अ स्ट्रीट कॉर्नर एंड वेयर द पाइप लाइज इंटरसेक्ट इट। सो हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फ्लो को कंट्रोल के लिए हमारा यूज होता है स्लुइस वाल्व, जिसे हम गेट वाल भी बोलते हैं। चेक वाल को हम, ये एक नॉन रिटर्न वाल है कि पानी को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। इसके चेक वाल को हम रिफ्लक्स वाल और नॉन रिटर्न वाल भी बोलते हैं। सेफ्टी वाल है, ये हवा प्रेशर को बढ़ाने घटाने का काम करता है। और स्कोर वाल है, वो जो वेस्टेज वाटर होता है उसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कोर वाल का, जो कि हमारी जहाँ पे पाइप ख़त्म हो रही है वहाँ पे एंड में लगाया जाता है, और अगर कोई लो लेवल के पॉइंट होता है पूरे सिस्टम का वहाँ पे भी स्कोर वाले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ वाल्व विच अलाउ द वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन बट प्रिवेंट द फ्लो इन अ रिवर्स डायरेक्शन। तो ये हमारे जहाँ हमारा रिजर्वेयर होता है या फिर सम्प होता है कि जहाँ से हमें पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये वहाँ यूज होता है, जिसे हम यही इसका सही आंसर है रिफ्लक्स वाल्व। सो इसे हम रिफ्लक्स वाल भी कहते हैं, चेक वाल भी कहते हैं, और नॉन रिटर्न वाल भी कहते हैं। हमने देख लिया कि स्लुइस वाल होता है वो तो फ्लो को रेगुलेट करने के लिए होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। एयर रिलीफ वाल होता है, वो एयर को रिलीफ करता है। प्रेशर रिलीफ वाल, वो प्रेशर को रिलीफ करने के लिए होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कोर वाल आर प्रोवाइडेड, स्कोर वाल आर प्रोवाइडेड मतलब स्कोर वाल कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि स्कोर वाल का वर्क क्या होता है। तो गाइस स्कोर वाल है वो हमारा जो वेस्टेज वाटर है उसको ये निकालने का काम करता है, वेस्टेज वाटर को। तो ये हमारे एक तो डैम पाइप जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे हम इसे लगा सकते हैं, और जहाँ पे लो लेवल का पॉइंट हो, डिप्रेशन हो, वहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि अ स्ट्रीट कॉर्नर टू कंट्रोल द फ्लो, इसके लिए तो स्लुइस वाल्व यूज होता है। एट एवरी डिप्रेशन एट एंड डैम एंड टू ड्रेन आउट द वेस्ट वाटर दैट मे कलेक्ट देयर, हाँ यही सही आंसर है इसका। फिर सी आंसर है एट द फुट ऑफ राइजिंग मेन गोइंग एंड स्लोप टू प्रिवेंट द बैक रनिंग ऑफ वाटर, इसमें भी नहीं होता है। एट समिट ऑफ राइजिंग मेन, इसमें भी नहीं होता है, इसमें तो एयर वाल्व होता है। सो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सेवर दैट रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ नंबर ऑफ हाउस इज कॉल्ड, अब नंबर ऑफ हाउस में से जो रिसीव करता है वो होता है हमारा लेटरल सेवर, और लेटरल सेवर में से जाता है मेन सेवर में पानी, या जो हमारा सेवर का मतलब जो वेस्टेज होता है वो। अ पाइप कन्वेइंग सेवेज फ्रॉम प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ अ सिंगल बिल्डिंग टू अ कॉमन सेवर, मतलब अगर बिल्डिंग में से सेवर को ले जाना है तो हाउस सेवर का यूज होता है, और नंबर ऑफ हाउस सेवर को मिलते हैं जहाँ पे एक जगह पे वो कनेक्ट होता है उसे हम लेटरल सेवर कहते हैं। सो इसका सही आंसर है ए, हाउस सेवर। फिर नेक्स्ट, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर द रेनफॉल इज मेनली कन्फाइनेड टू वन सीजन द सुटेबल सेवरेज सिस्टम विल बी, अगर गाइज याद रखना कि हमारे यहाँ तो मतलब मानसून में ही रेन होती है, तो हमारे यहाँ सूटेबल सिस्टम है सेपरेट सिस्टम, मतलब कि रेन वाटर को जाने के लिए एक अलग सिस्टम और ड्रेनेज के लिए भी अलग सिस्टम। अगर कोई ऐसी सिटी है कि जहाँ पे मतलब पूरा पूरे साल मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है, तो वहाँ एक ही सिस्टम होता है जिसमें रेन वाटर भी फ्लो होता है और ड्रेनेज भी फ्लो होता है, मतलब कंबाइंड सिस्टम यूज होता है। तो अगर पूरे साल बारिश हो रही है तो कंबाइंड सिस्टम, पर इंडिया में तो पूरे हो नहीं रही है तो इंडिया में सेपरेट सिस्टम ही इकोनॉमिकल रहता है। सो थैंक यू गाइज, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। और मैं ये पार्ट वन था, मैं दूसरा पार्ट भी इसका अभी हम इसका आगे सीरीज चलाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।